अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट से पहले डोनाल्ड ट्रंप के हाथ एक बड़ी निराशा लगी। कुछ राज्यों में चुनाव प्रक्रिया में हो रही कथित गड़बड़ को लेकर कोर्ट गए ट्रंप खेमे को खाली हाथ लौटना पड़ा है। मिशिगन और जॉर्जिया के संबंध में दायर मुकदमों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप खेमे की तरफ से अब्सेंट बैलेट की गिनती को रोकने की मांग की थी, जबकि जॉर्जिया में यह आरोप लगाया गया था कि वहां अवैध मतपत्र भी गिने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मिशिगन कोर्ट ऑफ क्लेम्स के जज ने गुरुवार को मुकदमा खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि मिशिगन के राज्य सचिव स्थानीय गिनती प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। इसे लेकर शुक्रवार को औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि मिशिगन में बाइडेन को अब तक जीता हुआ घोषित किया गया है। दूसरी ओर जॉर्जिया में जज ने ट्रंप खेमे की तरफ से दायर किया गया मुकदमा खारिज कर दिया। जज ने कहा कि उन्होंने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है और याचिका को खारिज कर दिया है। जॉर्जिया में जज ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि जिन बैलेट्स पर सवाल उठ रहा है वह अवैध हैं। ट्रंप की तरफ से पेंसिल्वेनिया और नेवादा में भी मुकदमे दायर किए गए हैं। इसके अलावा विस्कॉन्सिन में वोटों की रिकाउंटिंग की मांग की गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे भी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।